लट गया। ओ क्या हो गया डॉक्टर साहब? मैं लट गया। क्या हो गया डॉक्टर साहब? पागल है आप, मर्द हो गए, रो रहे। हुआ क्या? हुआ क्या है? मेरी ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रही है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ओहो, क्यों मनहूसों की तरह रो रहे हो? कौन सी तोप चल गई यहाँ पे? चंदन, मेरे ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आखिर हमारे पैर में क्या कमी रह गई थी जो हमें छोड़ के जा रही है? अरे मैं घर जा रही हूँ, अर्जेंट काम है। मैं जल्दी जाना है, नहीं तो बस छूट जाएगी। मेरे बस में आ जाओ, कभी नहीं छूटोगी। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया तुझे? आईपीएल का शूट करने जा रही है, एक टाइम पे दो दो शो करती, पैसे कमा रही, मनी माइंडेड कहेगी। समझ नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं वो नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले लोग आ रहे हैं। एक मिनट, हमारे देखने में क्या कमी रह गई थी? हमने तुम्हें गलत तरीके से देखा नहीं था क्या? हम कैसे देखे तुम्हें? लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और इन्होंने तो पता नहीं आपको किस किस नजर से देखा है। तो साहब मैंने तो अपना टीवी भी भेज दिया, सारा दिन मैं इसको ही देखता रहता था। इतने ये नाटक करती है, उतने नाटक तो टीवी पे नहीं आते। अरे अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? जा तो ऐसे रही जैसे महारानी विक्टोरिया गरीबों को कोहिनूर दान करके जा रही है। लड़ाई बंद करो। जब आदमी ज्यादा खाना खा के ऐसे करता है, वो क्या कहते हैं उसको? फाट। उसके जैसा मुंह है तेरा। जाते जाते एक बार गले नहीं लगोगी? ये मेरी नर्स है। तो गले लग लेके पैसे ले लेना। पैसे निकालो। क्या पैसे निकालो? आपको आपका भी मेरे अपने पहले आपको गले। ये तो मेरे गले पड़ रहे हो यार। सुनो मैं बताना भूल गई, जब मैं नहीं है ना मेरी प्लेस में मेरी सिस्टर आ रहे बम्पर लॉटरी। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छी बात है। अच्छी बात है भाई। एक मिनट, मैंने तुम्हें रोका जब तुम हक कर रहे थे, तुम मुझे क्यों धक्का मार रहे हो? इतनी खुशी वाली बात बताइए, उनकी बहन आ रही बम्पर लॉटरी। अरे कितना लड़ते है आप लोग, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, जाते जाते एक हक तो बनती है। अभी तो हक किया, वो तो खुशी वाली थी ना, एक दुखी वाली है। कर लो कोई नहीं, कुछ नहीं होता। यहाँ गरीबों में कंबल बांट रहे क्या? भागो यहाँ से। ओए, हेलो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अब दर्द ही चला गया तो दवा का क्या करें? अब जा ही रही है तो एक हक हमें नहीं मिलेगा? मैं तेरे ऐसी जगह पे लात मारूंगा, सारी जिंदगी हगता फिरेगा तो। चलो अंदर। मैं जा रही हूँ, बाय। और सुनो, मेरी सिस्टर आ रहा है, उसको ख्याल रखना है, ठीक है? रखेंगे। बहुत याद आओगी तुम। एक बाय बाय बाय। लव यू लॉटरी, लव यू। अच्छा वैसे एक बात है, भगवान अगर एक हाथ से लेता ना तो दूसरे हाथ से देता भी है ना? देख। अरे बड़ी जल्दी दे दिया भगवान ने। सूट समेत दे दिया। चंदू, अगर तूने बंपर लॉटरी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। वो मेरी है बंपर लॉटरी, सिर्फ मेरी है। वो इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए आ रही है, सात समंदर पार करके पहाड़ियां चीरती हुई सिर्फ मेरे लिए। अगर तूने दोबारा उसका नाम लिया ना, मैंने तेरी दोनों पहाड़ियां चीर देनी है। ओए चिलंदा,
मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरी नर्स है, समझाई तुम लोगों को? Excuse me, doctor. Yes, I am doctor. Myself, doctor. Hello? तुम कहाँ से डॉक्टर हो गए भाई? क्यों डॉक्टर की सारी लाइनें मेरे को आती हैं? भाई आपने मरीज को यहाँ लाने में देर कर दी, अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, यही तो कहना होता है? आप साइड पे होके लड़ो। हेलो, माय सेल्फ इज डॉक्टर चंदन। ये लोगों के झूठे बर्तन धोता है, इतना है भी नहीं, इसको खुजली भी हो रही है। हाँ जी, ये मेरे खाज करते हैं। ये मेरी नर्स है, इसे कोई छेड़ेगा नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी नर्स जा चुकी है, अब इनको मैंने अपने टी स्टॉल पे रखना है। इधर मुंह कर रहा है, क्या बात कही है? देखिए, मुझे डॉक्टर कपूर के पास जाने हैं। आई एम डॉक्टर कपूर। तू कब से कपूर हो गया? तू तो डॉक्टर मशहूर है। कपूर और मशहूर में ऊर तो मिलता, मेरा तेरा का मिलता भाई। He's right. I am Dr. Kapoor. मुझे उनसे 25,000 रुपया लेने हैं। बेड नंबर 3 का पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है भाई। यार मेरे बर्तन इतने जूठे, किसने मांजने? मैंने मांजने हैं। ए, मुझे बहुत जरूरी काम से सोना है यार, नींद आ जाती। 30,000 रुपया देने भी है। देखो भगवान की कृपा, पेशेंट ठीक हो गया। ओ, अच्छा। बर्तन पता नहीं कौन साफ करके अपने आप ही। यार नींद का कोई पता नहीं, झट से आती झट से उठ जाती है। पर पहले लेने हैं फिर देने हैं। ये पेशेंट चिल्ला क्यों रहा है यार? यार मेरा इलाज कर दो, अब फिर आने लगी यार। ये कौन बदतमीज है जो मेरे बर्तन फिर जूठे कर जाता है इधर? आप लोग पागल है। सुनो, पागल कह लो पर जाना नहीं मेरे। चल चल, जाओ मत। हम किसी से डरते नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपकी बेइज्जती? आपकी बेइज्जती नहीं, आपकी तारीफ होता है। इस मुंह पे जो बनता वही बोल रहा हूं मैं। हाय, आई एम बम्पर लॉटरी। अभी तो नया नया धंधा शुरू हुआ था, ग्लैमर चला गया हमारा। यहाँ पे आप में से डॉक्टर मशहूर कौन है? डेथ होगी उनका, अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं हम लोग। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे दो लोग, डॉक्टर और चाय वाला, दोनों मर गए। देखो, दुनिया में कुछ नहीं लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। चंदू, हाँ जी, रख भी पतीला अपने पास। मैंने कभी दुकान पर 100 ग्राम चीनी नहीं रखी, मैंने बोरी क्या करनी है पूरी। 70 किलो का तो इसके मुंह पर मस्सा है। एक मिनट यार, हम हमेशा अपने बारे में सोचते रहे, आज तक हमने कभी किसी के दूसरे के बारे में सोचा है? नहीं सोचा। देखो हमने कितने सालों तक, हट, कितने साल हो गए, आज तक सिद्धू जी को कभी कुछ नहीं गिफ्ट दिया। सही बात है सिद्धू जी। आज हमारी तरफ से आपके लिए बाजी मोटी सी पेशकश। अरे इतने सालों से मैंने भी कोई हाथापाई नहीं की, मेरा डंडा कहाँ गया? एक मिनट, मैं क्या अनार हूँ जो आपस में आप लोग मुझे बांटी जा रहे हैं? हाँ, वाह, कद्दू का कॉन्फिडेंस देखो, खुद को अनार बोल रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर अपना फर्ज निभाने आई हूँ। मेरी बहन लॉटरी ने मुझसे कहा है कि जैसा व्यवहार आप लोग मेरे साथ यहाँ पर करेंगे, वैसा ही व्यवहार वो आप लोगों के साथ करेगी। और अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, मैं अभी उसे सब कुछ बताती हूँ, शिकायत करती हूँ आप लोगों की। मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ। मैं बच गया, मेरे पे नहीं गिरी। हेलो, लॉटरी कहाँ चली गई थी यार? तुम्हें मेरे प्यार की कोई फिक्र नहीं है? ओ हेलो के बच्चे, मैंने कमरा कर देना बंद और म्यूजिक कर देना लाउड और गिन के 350 बैंत मारने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चंदू से बात करनी है? मैंने तो पहले कहा था फोन मेरे लिए आया है। हेलो। हराम खोर गधे उल्लू के पट्टे, तेरा तो मैंने पिछवाड़ा लाल कर देना, तुम्हारा फोन किया तो। थैंक यू। क्या हुआ भाई? बस कुछ नहीं, वही रिश्ते किनारे थे, माँ बहन, वही पुरानी बातें। ये मैंने अपने पिताजी को फोन किया था,
सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पर मैं ठीक ठाक पहुँच चुकी हूँ। अब तो आप समझ गए ना मैं कितनी पहुँची हुई हूँ। हाँ जी, 200 स्क्वायर फुट की तो आपकी स्माइल ही है। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे पता चल गया कि डॉक्टर आप हैं, जाहिर सी बात है, ये सब पता चल गया मुझे। ये तो बैल के गले में भी होता है सब, डॉक्टर है वो। चलिए बताइए मुझे करना क्या है। बताते क्या नहीं करना क्या है? मेरे को कुएं में धक्का मार दो, इसके ऊपर नहीं मारना मेरे को। तुम्हें तो पता भी है नर्स बनने के लिए क्वालिटी क्या होती है नर्स बनने की? मुझे पता है कि इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, खून चढ़ाना आना चाहिए, नब्ज चेक करना आना चाहिए। हेलो, किसी को कोई कुत्ता काट जाए तो क्या करोगे? 14 इंजेक्शन लगा दूंगी। तेरा बाप देगा 14 इंजेक्शन? अरे लेकिन डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तूने मेरा दूसरा रूप देखा नहीं है। मेरा दूसरा रूप ना, शाम को मैं ड्रिंक करने के बाद ना ऐसे इंजेक्शन करके सुनता मारता हूँ ना, दिखाता हूँ ना दूसरा रूप। मोहन, बंद कर अपना इलेक्ट्रिक। तुमने इधर पत्थर मारा है। बम नहीं मिला, नहीं तो बम मारती। तुम्हारा यह पत्थर ना कस्टमर के बम में लग गया और बम पकड़ के भाग गया, सुबह सुबह मेरा नुकसान कर दिया। अरे नुकसान तो तुमने हमारा कर दिया, कितनी बदनामी हो रही है। अब तू भी ये मोहल्ला, ये जगह और लोटा सब छोड़ के चला जा। कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? 25 साल पहले इधर कुछ नहीं था, 2 ईंट और 1 लोटा के साथ धंधा शुरू किया था। हाँ, शेयर मार्केट में भी सब लोग मेरे को जानते हैं। मुझे और गुस्सा मत दिला समझा, वरना जिन 2 ईंटों से तूने धंधा शुरू किया था ना, उन्हीं से मैं तुझे मारूंगी। अरे नानी, इट्टू सादा इट्टू, सिर्फ 2। एक मिनट रुको, ये लो, ये लो, थोड़ा पी लो। ठंडा ठंडा ठंडा, थोड़ा गर्म होने, ठंडा होने का। भूकंप। कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ है तेरा सैन कक्ष? हट जा, हट, हट। नानी, डोंट वेस्ट पानी, ये लो। मैं बीच में बैठ जाती हूँ। मैं इधर बैठ जाऊँ? प्लीज, जहाँ आपका दिल करे सर। वॉकिंग चेयर, आप तो मैं बाजू रखता हूँ। अरे भाई, रॉकिंग, आप बैठ जाओ रॉकिंग चेयर। यंग था जब उतना मौका नहीं मिला। चलो मैं बैठ जाता हूँ वहाँ पे। हाँ सर, इधर। अच्छा, मुझे अगर किसी से जेलसी होती है ना, तो वो इमरान हाशमी से। कसम से, हमेशा लड़कियों के बीच घिरे रहते हैं। हमारे शो में भी आए तो लारा और प्राची जैसी खूबसूरत दीवास के साथ। भाई आप ना हमारे शो पे आते रहा करो, एक तो रौनक लगी रहती है, दूसरा सिद्धू बाजी भी टाइम पे आ जाते हैं। कैसे पता चला लारा और प्राची आ रही हैं? कहते हैं वो तो अजहर तो मेरा दोस्त है, और कौन आ रहा है? मैंने कहा इमरान हाशमी आ रहा है, बड़ी बड़ा अच्छा लड़का है, और कौन आ रहा है? मैंने कहा लारा और प्राची, दोपहर से पहले आ गए थे। एक दिन मैंने सिद्धू बाजी को बोला अनु कपूर आ रहे हैं, शूटिंग पे आए नहीं। कपिल, आप कितने बजे आए थे? मैं हमारा सर, मेरा तो घर ये पीछे, मैं इधर सोता हूँ। अच्छा लारा, आपको हमारा घर कैसा लग रहा है? अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, पर आपसे ज्यादा नहीं है। आप भी ना। अजहर भाई ना बड़े तेज हैं, इन्होंने आइडिया से देख लिया था कि देखो लंबा सोफा एक ही है, सिंगल सिंगल 2 हैं, तो आएंगे इसलिए मुझे बैठेगा, हेल्प आउट कर दिया इन्होंने। अच्छा, आपको ऐसा किया ना थोड़ा सा? हाँ, ऐसा किया था। नहीं, ऐसे नहीं किया, जाके रॉकिंग जगह बैठना, ऐसे नहीं किया। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस फिल्म में इमरान हाशमी जो है वो अजहर भाई का किरदार निभा रहे हैं। अजहर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको जब पता चला कि आपका किरदार इमरान निभा रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगा कि अपनी तरफ से 3-4 चुम्मियां फिल्म में डाल देंगे ये? इसमें डर लगने की कोई बात ही नहीं है सर, उनका वो रेपुटेशन ही तो ऐसा, तो डर नहीं वो तो होना ही है ना सर, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कोई एंजॉय करेंगे नहीं। पब्लिक लेकिन नहीं, मजाक अलग, बट मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान भाई ने बहुत बहुत मेहनत की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से
उन्होंने मैंने जो भी बताया क्रिकेट में खेलने के लिए बहुत अच्छा उसको अडेप्ट किया और मैं समझता हूँ कि अब जब पिक्चर देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, ऐसा लगेगा कि अजहरुद्दीन ही बैटिंग करें। क्या बात है। अच्छा प्राची, मेरे ख्याल से इमरान के साथ आपकी ये सेकंड फिल्म है जी। तो पहली में ये गैंगस्टर थे जी। इसमें ये क्रिकेटर हैं, तो आपको इन दोनों करेक्टर्स में फर्क साफ नजर आ रहा है कि किरदार कैसा भी हो ये लगे रहते हैं? ये इनकी एक जो, एक जो उस फिल्म में मुझे मौका नहीं मिला, उस फिल्म में मैं 0 रन बनाए थे मैंने, इसमें 3-4 रन तो बनाए लिए। कहने का मतलब ये है कि प्लेयर अच्छा हो तो मौका मिले तो वो बाउंड्री कराई देता है जी। प्राची के विचार जानना चाहेंगे इस मौके पे। इस बार ये फाइनली लकी हो गए। सो इस बार ये लकी रहे हैं जी। तो आप लकी मानती हैं अपने आप को कि आप क्या, आपको क्या लगता है? ये नरगिस के साथ लकी हुए हैं। तो नरगिस किन के साथ लकी हो रही है मतलब? अच्छा मतलब आपस में लकी हो रहे हैं। हाँ, बेसिकली। चलिए बहुत अच्छी, इतना सारा लक फैक्टर है तो फिल्म को सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें भी अजहर भाई बहुत इंतजार है कि जब आपकी ये फिल्म आए तो हम देखने जाएं सब। और बहुत बहुत मुबारक आपको। और सबको मेरा नमस्ते जी। बड़े सही टाइम पे आया तू यार, जब भाग के फटाफट 4 कप चाय ले गया जा। आप थोड़ा सा शटअप करेंगे? आपको तमीज नहीं प्रोड्यूसर के साथ कैसे बात की जाती है? कौन सा प्रोड्यूसर भाई, कौन सी फिल्म बना रहा तू? मैं ब्रेन लारा पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ। ब्रेन लारा साहब आ गए? ब्रेन लारा साहब आ गए? लारा दत्ता आई है यहाँ पे। लारा दत्ता ही? ओहो सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इनका हम लारा लारा यूज कर लेते हैं। ब्रेन मेरे पास वैसे बड़ा है। गंदा जो गंदा मतलब गंदा। तू ब्रेन लारा फिल्म बनाएगा, तेरे को वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा, तेरे पास पैसे हैं इतने? चलो ठीक है, फिर मैं क्रिस गेल साहब पे फिल्म बना लेता हूँ। अजहर साहब उसके पास भी मत जाना, तेरा चौके जैसा मुंह मारेगा बहुत तेरे को वो। हेलो हेलो जी, वेरी नाइस, इतने सारे लोग आए हुए हैं, इमरान हाशमी भी आए हुए हैं। बेटी सरला बाहर नहीं आना। ओहो डॉक्टर साहब, ये फिल्मों में हाइपर होते हैं, वैसे भी बड़े शरीफ हैं ये। मेरे को पता, ये तो शरीफ है, मेरी बेटी पे मुझे भरोसा नहीं है ना। सिद्धू साहब वो तो कप्पू के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाती है, ये तो फिर भी इमरान हाशमी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा सा चेकअप वगैरह कर लूँ। अजहर साहब बैठे हैं, मैं इनका ईसीजी करना चाहूंगा पहले। ईसीजी? ईसीजी करिए। बोलिए ई ई सी सी। बोलो जी। जी हो गया आपका, ठीक है। आए थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, वरना अगली बार जब आप आएंगे तो मैं ए टू जेड सारा चेक कर दूंगा। आप एक मिनट खड़े होइए इमरान साहब, आइए प्लीज बैठिए। क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? एक मिनट भाई, काम चल रहा है, चेकअप हो रहा है। अच्छा जी, क्या इनको क्यों बिठा रहे इधर? बैठो जी बैठो, कंफर्टेबल? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बिजी डे है भाई, बहुत कुछ करना है। ओहो एक मिनट, आप अपनी पल्स दीजिए प्लीज। पल्स दीजिए प्लीज। चेक कर सकते हैं? आहा वेरी नाइस। क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर उनका तो ठीक है, ठीक लग रही है वो। उनका ठीक है, मेरा हाई हो गया। छोड़िए उनको, आज तक छोड़िए उनको, हमारे मेहमान तंग कर रहे हैं आप। बदतमीज डॉक्टर, पता नहीं काय के डॉक्टर है ये। हाई हो गया मेरा बहुत ज्यादा। मेरे को आज तक किसी ने इतना नजदीक से टच नहीं किया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है? ये आपका स्टूल, ये प्लीज कैरी ऑन, ये प्लीज कैरी ऑन, मैं जरा एनेस्थीसिया लेता हूं। भाई इसकी ना दुकान नहीं चल रही इमरान भाई, इसको पता नहीं बेचता कैसे, या तो इसको बेचना नहीं आता जी। इसको कुछ सिखा दो यार अपने कुछ टोटके, इसको भी कुछ थोड़ा ग्लैमर आ जाएगा इसकी दुकान पे, थोड़ा इसकी चाय चलती नहीं है। आइए आइए।
हम प्राची। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है। लेकिन चीनी थोड़ी कम कर दो। आपके होंठों से लगकर कुछ मीठी हो जाएगी। ये देख ऐसे बैठते जाए। आइए यहाँ पे आप ऐसे बेचने। इनके साथ ट्राई कीजिए अभी। आपकी नंबर। अच्छा अच्छा आइए। चाय गिर जाएगी। एक मिनट मेरे को थोड़ा सेट होने दीजिए। हाँ जी मैडम। एक चाय देना भैया। ए मैडम आपने डायलॉग खराब बोल दिया है, मूड भी खराब कर दिया आपने। अच्छा ठीक है एक और ट्राई जी। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो दे दो। नकल में अकल चाहिए गुरु, अकल चाहिए। तेरे को एक सलाह देता हूँ, इधर ना राजधानी एक्सप्रेस निकलती 5 बजे, उसके नीचे आके मर जा। आओ आइए सर आप प्लीज, ये पागल आदमी है। तो लारा जो है बॉलीवुड से हैं और महेश जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं। आपके घर में कुछ नहीं, उन लगा के दिया ना, उनको लगता है कि यूज भी करना, बीच में बात चल रही है यार कोई। लारा आपने एक स्पोर्ट्समैन से शादी करी है जी। बॉलीवुड में जो अभिनेत्रियां होती हैं जहाँ तो क्रिकेटर से शादी होगी, जैसे आपने महेश जी से शादी की, ऐसा क्यों होता है, मतलब ये ऐसा ही क्यों? I don't know, लेकिन ज़्यादातर से जितने सारे पहले की अभिनेत्रियाँ थी उन्होंने सारे क्रिकेटर्स को ले लिए, तो टेनिस एक बात बचा था। आइए। May I come in, sir? Yeah, come in. How are you? How are you? ये क्या था? आज ईद नहीं है? मुझे लगा चांद निकला, शायद ईद होगी। तो आपको सिर्फ इधर दिखता है, इधर नहीं दिखता आपको? ये कौन है? ये मेरे डैडी हैं। अरे चलो मुर्गा बन जाओ। लेकिन मैं मुर्गा क्यों बनूं? बच्चे को घर पे तुम ही पढ़ाते हो ना, तो तुम्हारे कसूर है। चलो मुर्गे बन जाओ। आगे से मम्मी ने पढ़ाना है। आपने पढ़ाना है? हाँ जी। आप मेरे घर में आइएगा, मैं आपको ट्यूशन दूंगा। मैं क्यों आऊंगी? बच्चा आएगा ना। दुनिया में पहले मम्मी आएगी, बच्चा आया? मम्मी। तो फिर मम्मी आएगी ना पहले घर में? मम्मी आएगी तो बच्चे आ जाएंगे। डार्लिंग ये टीचर मुझे कुछ सही नहीं लगा। ओ, तेरे में कॉन्फिडेंस कैसे आया चप्पल पहन के डार्लिंग बोलने का प्राची को? मुझे शर्म नहीं आती तुझे? चेक शर्ट पहनी, बुजुर्ग भी पहनना छोड़ दिए ये शर्ट। यहाँ से बाहर निकली ठिम्मी डार्लिंग, चलो दबा जाओ और बच्चे को भी साथ में लेके जाओ, मम्मी को इधर छोड़ जाओ। यार आ जाओ, बेइज्जती जरूर करवानी होती। चलो ओए चल, चलो किधर जाना है, ये बच्चे को लेके जा अपने, चल चलो। ये बाप बेटा बहुत तंग करते बाजी। प्राची सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यार बेइज्जती करवा दी। पहले तो रिंकू भाजी आप अपना फेस कवर कर लीजिए। क्यों? ने भैया क्या कहे थे याद है आपको? क्या? दो पुरुष से ज्यादा कहीं भी दिखाई दें तो अपना फेस कवर करके रखिए, शकल मत दिखाइए। अरे तो इमरान हाशमी है, इनसे क्या शर्म? इनका जब गाना सुनते हैं ना तो तुम्हारे भैया उस दिन जल्दी घर आ जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हम अपना परिचय करवा देते हैं। हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, और जो कभी कैच नहीं छोड़ते इनको अजरुद्दीन कहते हैं, और जो किसी को नहीं छोड़ते इमरान हसन कहते हैं। और लोग इन दोनों को देख के ओ हो 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 कहते हैं। पैसे हम बता दें आपको लारा दत्ता जी, जैसे आप मिस यूनिवर्सल रह चुकी हैं ना, वैसे ही ये भी हमारे मोहल्ले की मिस यूनिवर्सल होते होते रह गई। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, हमें पता है। एक तो इनके साइज का गाउन नहीं बन रहा, दूसरा क्राउन नहीं बन रहा। ए लारा दत्ता जी, जी मैडम जी, तेरा सिखा दो
रोटी को थोड़ा। आप थोड़ा सा हमको सिखाए दें कि ऐसे जीतते हैं जैसे ऐसे बड़ा क्राउन ऐसे आता है और कोई कहता है कि देखिए जीतने वाले हैं जी। लंबी बहुत हैं। मैं तो लंबी हूँ जी। हाँ। आपने हील्स पहन रखे? नहीं नहीं, नहीं मैंने तो कुछ भी देखो इसे थोड़ा सा नीचे कर। कपिल शर्मा हमको अपनी शालीनता का पता है, हमको बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रही तू बदतमीज़? लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती हैं तब तो तुम नहीं कहते हो। तो लड़कियों के डेढ़ फीट बाल नहीं होते तेरे जरा? बदतमीज कहेगी। अच्छा मैं अनाउंस करता हूँ, एंड द मिस यूनिवर्स अवार्ड्स गो टू लारा दत्ता। एंड द अवार्ड गोस टू संतोष। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भैया हैं इनकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं। अरे इनका गाना सुनकर ही तो भैया ऐसे पैर धो के इनके पीछे पड़ गए। हाथ धो के होता, पैर धो कौन पड़ता है? हमारे भैया वो कुछ भी धोए, आपको क्या है? एक बार गाना सुना दीजिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। गाना सुना देते हैं आपको। ए चम्मच निकाल। ए मोटी इधर आ जा। आ रहा है बस। अभी सुनिएगा। ए सही वाली साइड दिखाओ कैमरा पे, क्या करके बैठ गई? अरे तो कैसे बजाएंगे? इसकी सही वाली साइड कोई भी नहीं है। चम्मच पकड़ लेती। हाँ तो पकड़े हैं, अब खा भी लें क्या? अरे आप ऐसे लड़की रही हैं, एक दूसरे का खून क्यों नहीं कर देती? प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स फ्रॉम फ्री टीवी।